नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल दीवा एक शक्ति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हनुमान चालीसा के जन्म और उत्पत्ति की कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप भी हनुमान भक्त हैं? अगर हाँ तो मेरे साथ कहिए जय हनुमान, जय जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वन रव रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोही, हरहु कलेश विकार। भक्तों, कहते हैं कि जब आप बड़ी मुसीबत में हो या फिर आपको भूत पिशाच से डर लगने लगा हो, आपको बुरी तरह से उन्होंने जकड़ रखा हो, तो आपको लग रहा हो अब तो समस्या से पार पाना मुश्किल है, तो केवल राम नाम का जाप और हनुमान चालीसा का पाठ करके आप हर दुख का निवारण कर सकते हैं। लेकिन हृदय में प्रभु श्री राम और उनके भक्त हनुमान के प्रति परम विश्वास होना अति आवश्यक है, क्योंकि हर विश्वास ही नहीं, उनको तो भक्ति व शक्ति का अर्थ ही नहीं रह जाता। अगर आपके मन में भगवान के प्रति विश्वास होता है तो आपकी श्रद्धा और भक्ति सीधा भगवान को स्पर्श करती है। जी हाँ, जिसने तुलसीदास ने राम और हनुमान के विश्वास का मजाक बनाया और आखिरकार उनके राम के नाम और हनुमान की शक्ति को मानना ही पड़ा, यह घटना उन दिनों की है जब अकबर का शासन हुआ करता था। एक दिन तुलसीदास राम नाम में लीन होकर कहीं से गुजर रहे थे, तभी रास्ते में एक रोती हुई महिला अचानक से तुलसीदास के पैरों में जा गिरी। यह देखकर तुलसीदास के मुंह से उस महिला को आशीर्वाद स्वरूप सौभाग्यवती भवा निकल गया। यह सुनकर वह महिला तुलसीदास जी से कहती है कि कुछ देर पहले ही उसके पति की मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, इसलिए उनके आशीर्वाद का कोई महत्व नहीं रह जाता। यह सुनकर तुलसीदास जी उस महिला से कहते हैं कि आशीर्वाद मुंह से निकल चुका है और अब तो वापस तो आ नहीं सकता, इसलिए उस आशीर्वाद को सत्य होना ही होगा। इसके बाद तुलसीदास उस महिला के पति के मृत शरीर के पास जाते हैं और सभी से आंखें बंद करके राम नाम का जाप करने को कहते हैं। कुछ ही देर बाद राम नाम की शक्ति अपना चमत्कार दिखाती है और उस महिला का पति जीवित हो जाता है। जब इस चमत्कार की घटना पूरे शहर भर में फैल जाती है तो हर तरफ राम नाम का नाम हो जाता है, साथ ही तुलसीदास का भी नाम भी गूंजने लगता है। यह बात जब सम्राट अकबर को पता चलती है तो वह तुरंत तुलसीदास को राज दरबार में बुलवाता है। तुलसीदास के राज दरबार में आते ही अकबर उनसे उनके चमत्कार के बारे में पूछता है, क्योंकि तुलसीदास राम नाम लेकर चुप हो जाते थे। तभी अकबर तुलसीदास से दरबार के अंदर ही एक चमत्कार करने के लिए कहता है। यह सुनकर तुलसीदास से चुप नहीं रहा जाता, वे अकबर से कहते हैं कि मुझे कोई चमत्कार करना नहीं आता है, राम नाम की शक्ति से बढ़कर कोई चमत्कार है ही नहीं, इसलिए मैं कोई चमत्कार नहीं दिखा सकता। यह सुनकर अकबर को गुस्सा आ जाता है, वह तुलसीदास को कारावास में डालने का आदेश दे देता है और कहता है कि देखते हैं कि तुम्हारे राम नाम में कितनी शक्ति है। इसके बाद सैनिक तुलसीदास को फतेहपुर सीकरी में कैद कर देते हैं। तुलसीदास जी अकबर की नादानी पर मुस्कुराते हैं और राम नाम का जाप करना शुरू कर देते हैं। यही वो समय था जब हनुमान चालीसा अस्तित्व में आई। दरअसल हनुमान जी बहुत बड़े राम जी के भक्त हैं। तुलसीदास ने अपने कारावास में और कारावास के दौरान प्रभु श्री राम के साथ उनके भक्त हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा लिखी। और ठीक 40वें दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को चौंका दिया। अचानक ना जाने कहां से बंदरों की फौज ने शहर भर में हंगामा कर दिया। फतेहपुर सीकरी कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा था जहां पर बंदरों ने आतंक न मचाया हो।
सैनिकों का मार मार कर बुरा हाल कर दिया था। कभी किसी को नोचा तो कभी किसी को बुरी तरह से काट लिया, पत्थर फेंक फेंक के कई लोगों को घायल कर दिया। अचानक से बंदरों का आतंक देखकर सभी हैरान थे। यह सब देखकर अकबर के बहुत पुराने सेवक ने यह देखकर अकबर को बताया कि ये कुछ और नहीं, बंदी बनाए गए तुलसीदास का चमत्कार है। यह सुनते ही अकबर तुलसीदास के पास गए और उनसे माफ़ी मांगी। अकबर को क्षमा मांगते देख तुलसीदास कहते हैं कि मैं कौन होता हूँ क्षमा करने वाला, चमत्कार भी राम नाम का था और क्षमा भी राम ही करेंगे। ये सुनकर अकबर तुलसीदास को कैद से मुक्त कर देता है। कहते हैं कि इस घटना के बाद तुलसीदास और अकबर के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो गई। अकबर राम नाम के चमत्कार से इतना प्रभावित हुआ कि उसने ऐलान कर दिया कि उसके शासन में राम, हनुमान और अन्य देवी देवताओं को मानने वालों को किसी भी तरह से परेशान ना किया जाए। तो भक्तों, ये है राम नाम का चमत्कार। जी हाँ, ये राम नाम का ही तो चमत्कार था, श्री राम की लीला ही थी जिसकी वजह से हनुमान चालीसा का जन्म या फिर उत्पत्ति हुई और इस कलयुग में राम भक्त हनुमान तक पहुंचने का मार्ग प्राप्त हुआ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो यानी कि श्री हनुमान चालीसा के जन्म और उत्पत्ति की कहानी मेहंदीपुर बालाजी पसंद आई होगी। अगर आप हनुमान भक्त हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जय श्री राम, जय जय हनुमान लिखना ना भूलें। मैं आपको मिलती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ।